शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर ऐसा प्रोडक्शन कंट्रोलर होगा तो ये शूटिंग नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। आज मेरा शॉट है घोड़े और पीली गाड़ी का। घोड़े कल से मेरे सिर पे बंधे पड़े हैं, लेकिन गाड़ी अभी तक नहीं आई। न पीली गाड़ी है न गाड़ी लाने वाला। रिलैक्स रितु साहब, रिलैक्स, गाड़ी अभी आ जाएगी, रिलैक्स। जॉली आ गया। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। जैसे पैराग में दिलीप कुमार आया था, जंजीर में अमिताभ बच्चन आया था, शोले में अमजद खान आया था, वैसे जॉनी आ गया। जॉनी, मैंने तुमसे क्या मंगवाया था, कुछ याद है? यस सर। जॉनी, मेरा नाम, ड्यूटी मेरा काम, ये रही आपकी पीली साड़ी। पीली साड़ी? अबे मैंने पीली साड़ी नहीं, पीली गाड़ी मंगवाई थी। सॉरी सर, सॉरी सर, वो क्या है कि गाड़ी और साड़ी में जरा कंफ्यूजन हो गया। आई एम वेरी सॉरी सर। लगता है तुम आज शूटिंग कैंसिल करवा के रहोगे। जरूर सर। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री का नंबर वन प्रोडक्शन कंट्रोल रूम सर, कूली नंबर वन में गोविंदा का बिल्ला हो गया था, एक झटके में लाके दिया सर। मैं अभी गया, अभी आया सर, गाड़ी आपकी अभी लाया सर। गाड़ी प्रोड्यूसर साहब, मैं कहता हूँ आज ये शूटिंग कैंसिल हो के रहेगी। आज तुम कल की तरह आज भी मेरी गाड़ी से टकरा जाओ। ब्रेक मार, एक कौन है यार, बाहर निकल। अरे क्या कर रहा, मार डालेगा क्या? मार डालेगा मिस्टर मृत्यु दाता, अपने आप को राजा हिंदुस्तानी समझते हो तो कोयले की तरह इस खटारा गाड़ी से कुचलना चाहते हो। खटारा गाड़ी नहीं सर, पीली गाड़ी, पीली गाड़ी। अरे पीली हो या नीली, अगर मार लगती खून तो निकलता लाल। सर माफ कर दीजिएगा सर, दरअसल क्या इस लड़की की तलाश में मैं पागल हो गया हूँ, और इसमें आदमी थोड़ा बहुत अंधा हो ही जाता है ना, वरना इस पीली गाड़ी के नीचे मैं आपको। पीली गाड़ी, आशुक को तलाश है, आशुक है, काम बन सकता है। ये क्या पीली पीली कर रहा है यार, ये भवरा गया है, पीली पीली है, इसने पीली है। बेवकूफ, दो पहिये वाला होके चार पहिये वाले से भिड़ता है। जा अपने गोदली में बाप से कह दे कि उस अहिंसक से वादी कन्या राधा के साथ तेरा रिश्ता नहीं कराऊंगा। लेकिन सर, सर आप रिश्ते करवाते हैं, मेरा मतलब आप शादियां करवाते हैं। तो फिर तो आप इस लड़की को जानते होंगे। मगर ये लड़की उस दारा के लायक नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसको मैं ये रिश्ता लेकर आऊंगा। अरे इसको मैं अपने लिए ढूंढ रहा हूँ यार। तो ढूंढो। नाम क्या है इसका? इसका नाम बिंदिया है। इंडिया? हाँ। रेतिका? इंडिया। इंडिया में तो हम सब रहते हैं, क्या ठोकर है यार। मतलब पर्वत के उस पार, बॉर्डर के इस पार। तो यार बैठो ना गाड़ी में, आओ मुझको ले चलो उसके घर। पंडित जाने को रिश्ता करवाने के लिए दूल्हे की जरूरत नहीं, मगर गाड़ी की जरूरत पड़ती। अरे इस रिश्ते के लिए गाड़ी तो क्या, तुमको प्लेन दे सकता हूँ, हेलीकॉप्टर दे सकता हूँ यार। तुम तो अजीब पागल आदमी हो यार। हाय, मेरा मतलब है तुम कितने दीवाने बन गए हो। अच्छा ये गाड़ी आपकी है? हाँ मेरी है। अब देख रहे, ये पंडित जाने गाड़ी में जाता है, धोती में रिश्ता करवा के लाता है, और शाम को पैकअप से पहले, मेरा मतलब है सूर्य अस्त के पहले, इस पीली गाड़ी का काम तमाम कर देता है। इस पीली गाड़ी से मेरे रिश्ते का क्या ताल्लुक है? मेरा मतलब है इस पीली गाड़ी के मालिक की ऐसी भूमिका बांधूंगा कि वो भी कहेंगे जानी ने क्या प्रोडक्शन संभाला है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। ओ लगता है पंडित जानी बहुत आगे की बात कर रहा है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। अबे ठीक से बात कर रहा है, इंप्रेशन जमाना है। बिंदिया की माँ चमत्कार हो गया, मैं तो कहता हूँ कन्यादान कर ही दो। इतने बड़े घराने का लड़का, ओ पैसे वाला, दिल वाला, नसीब वाला, ओ निर्मल, कोमल, सुशील, अरे जरा भी घमंड नहीं है, हीरा है हीरा, उसे कहो बैठो तो लेट जाता है, ऐसा लड़का कहाँ मिलता है। हा? कुछ ज्यादा बोल रहा है यार। सारी दुनिया के कार वाले एक तरफ और ये पीली गाड़ी वाला एक तरफ। अरे जिस गाड़ी में मैं आया हूँ ना, ऐसी गाड़ी में तो उसके कुत्ते बिल्लियाँ घूमते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ। क्या ठोकरा यार। अरे दूल्हे का फोटो क्या, मैं तो जीता जागता दूल्हा दिखा दूं आपको। अरे बिंदिया, अरे यहाँ कौन सा दूल्हा बैठा हुआ है, जरा घुंघटा उठा के चेहरा तो दिखा दे मालिक। तो बात पक्की? शर्मा गई। हमारी तरफ से तो बिल्कुल पक्की। वाह वाह, बिंदिया की माँ जैसा आपने कहा। अच्छा? जट मंगनी पट ब्याह। ओ एक सोनी कुड़ी दिला दे, चक्कर मेरा भी चला। अरे सामने से कौन आ रही है? अरे ओए लाल बादशाह, पीली गाड़ी के सामने आके इतिहास बन रहा है क्या? अच्छा ड्रामाबाजी मत कर, ये बता के हो गया कि नहीं। क्या हो गया? रिश्ता। किसका? अरे सुबह तूने मुझसे रिश्ते की बात की थी ना। किसकी? कमाल कर रहा है यार, लड़की की। कौन सी लड़की? बिंदिया की। कौन बिंदिया? अरे ये बिंदिया यार। ये कौन है? अब तुम उससे पूछेगा मैं कौन हूँ। हाँ तो कौन है आप? कमाल करता यार, तू सुबह मेरी रिश्ते की बात करने के लिए मेरी गाड़ी ले गया था, मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ यार।
क्या हो गया? याद आया, पीली गाड़ी शूटिंग के लिए। शूटिंग में बात की नहीं मेरे रिश्ते की? क्या है कि वैसे फेकम बात किया था मैंने, क्या है कि वो शूटिंग के लिए पीली गाड़ी की जरूरत थी तो आपसे ज्यादा झूठ बोल देता, माफ करना यार। झूठे मक्का, उठा के फेंक दूंगा नीचे मैं। सुबह से पता नहीं क्या क्या सोच रखा था मैंने, क्या क्या सपने देख लिए। सॉरी सॉरी जी, मैंने अपनी रोजी रोटी के लिए, नौकरी के लिए झूठ बोला था। वैसे भाई, जॉनी भाई, डायरेक्टर साहब ने कहा है पीली गाड़ी के 4 शॉट बाकी है, कल पीली गाड़ी फिर जरूर लेके आना। ये कार्ड रख लो, सुबह आके गाड़ी ले जाना होटल से। आप कमाल के आदमी हैं, मोहब्बत और इंसानियत क्या होती है वो आज मैंने जाना। साहब मैं भी वादा करता हूं, आज रात तक इस लड़की का पता नहीं लगा तो मेरा नाम भी जॉनी नहीं। आज से सारे काम एक तरफ और आपकी मोहब्बत का पैगाम एक तरफ। साहब जी, उसका नाम बिंदिया नहीं, पूजा है। पूजा? पूजा वाइल्ड फ्लावर हॉल के पास कॉन्वेंट कॉलोनी में रहती है। माँ बाप रिश्तेदार घर में कोई नहीं है, अड़ोस पड़ोस वाले उसके सब कुछ है, बस्ती में बड़ी इज्जत है। तारा रानी सेकंड हाई स्कूल में पढ़ाती है, सैटरडे संडे जब छुट्टी होती है बस्ती वाले की मदद भी करती है, और शाम को 2 घंटे डॉक्टर दस्तूरी के क्लिनिक में प्रैक्टिस करती है। और कुछ पूछना है? अरे यार जॉनी, जॉनी तूने मुझे उसके बारे में इतना कुछ बता दिया। मैं पूजा नहीं हूँ। अरे पूजा को ऐसे गले लगाओ तो बात बने ना। अरे यार जॉनी, जब तूने उसका आता पता ठिकाना सब कुछ बता ही दिया है तो आज नहीं तो कल उसको भी गले लगा ही लूंगा यार। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं बगैर अपॉइंटमेंट के आ रहा हूँ, लेकिन ये मामला जरा सीरियस है। इसका क्या प्रॉब्लम है? इसको हार्ट की प्रॉब्लम है डॉक्टर। हार्ट का प्रॉब्लम कुटरे को? ये तो एकदम नवा बात है। इधर इधर लेकर आओ, जल्द देखेंगे क्या हुआ। हाँ बैस बाबा, वैसा होता क्या इसको? धड़कने बेचैन रहती है, सांसें बेकरार। अच्छा, और रात को नींद नहीं आती? हाँ, और भूख भी नहीं लगती। अरे ये तो मामला सीरियस लगता है। सोचता रहता है दिन भर कुछ ना कुछ, डूबा रहता है किसी के ख्यालों में। आजकल ये खोया खोया रहने लगा है। ए कुटरे के फिलोसोफर लवर है डॉक्टर साहब, भूख ऐसे प्यार की। ए भाई उधर क्या देखता है, मेरे को देख के बात करनी? डॉक्टर साहब मेरी है ना बचपन से आंखें फिरी हुई है, जब मैं आपको देखता हूँ तो आपको लगेगा मैं इनको देखता हूँ, जब मैं इनको देखता हूँ तो आपको लगेगा आपको देखता हूँ। फिलहाल मैं आपको देख रहा हूँ। अब तेरा तकलीफ समझ में आया, एक कुटरे का प्रॉब्लम अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ता है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये कुत्ता अपनी याददाश्त खो बैठा है। कुत्ता याददाश्त खो बैठा है? हाँ, तभी तो मेरा होकर मुझे ही घूरता रहता है। अरे बाप रे, मेरे लाइफ का 20 इयर्स का एक्सपीरियंस में ऐसा कुत्ता पहले कभी नहीं आया। आजकल ऐसे कुत्ते पैदा कहाँ होते हैं डॉक्टर साहब? देखो पूजा, इस केस में तुम जरा दिलचस्पी लेना, इसका बहुत अजीब केस लगता है मेरे को। इसकी खोपड़ी में देखना बेवजह कैसा चलता है। रोमांस है इसके खोपड़ी में डॉक्टर साहब। रोमांस है? अरे मजनू के औलाद है कि कुटरा है? आई थिंक दिस सीरियस डॉग सीरियसली हैज सम सीरियस डिजीज व्हिच इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड सीरियसली, एंड नोबडी इज टेकिंग इट सीरियसली। आई सीरियसली फील इट इज लव। व्हाट? यस। ओ मेरे हीरो हीरोइन, यानी कि मेरा फार्मूला कामयाब हो गया। पूजा ये जॉनी मेरा नाम, आपका एड्रेस बताने वाला, दो दिलों को मिलाने वाला। वाकई आपका बहुत एहसान है मुझे। अरे नहीं, अरे नहीं नहीं है भैया है। अगर ऐसी बात नहीं है तो एक एहसान आप कर दीजिए मेरे पे। प्रोडक्शन के काम से मैं तंग आ गया हूँ, एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। शाहरुख खान, सलमान खान, मिथुन दा, अक्षय कुमार मेरे हाथ में, यहाँ तक अमिताभ बच्चन भी मेरे हाथ में। अच्छा, यू फिल्म बना सकता हूँ, बस फाइनेंस की जरूरत है। 1-2 करोड़ मिल जाए तो बस मेरी पटरी। जा दिया जा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, मेरे लाइफ कोई भी सेवा तो आधी रात को मुझे याद कीजिएगा। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। शिमला से दिल्ली जाने वाले अंतिम अनाउंसमेंट हो रहा है, आप भी अपना अंतिम कार्यक्रम कर सकते हैं। बाय बाय, और प्रस्थान करें। धन्यवाद। जॉनी भाई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं जॉनी नहीं, आपने मुझे जाना नहीं, पहचाना नहीं। मैं हूँ मस्त कलंदर, कभी बाहर कभी अंदर, दिखता हूँ पलंबर। आपका लग गया है रॉन्ग नंबर। अरे जॉनी भाई कहाँ जा रहे हो? ऊपर आसमान नीचे धरती, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है भर्ती। मिस्टर अर्जुन, आप लोग यहाँ? जॉनी भाई आप यहाँ तो फिर ये वो मोनी होगा, मेरा हमशक्ल। एक साथ देखोगे तो कहोगे तुम सा नहीं देखा। मुझे फिल्मों का प्रोड्यूसर बनना है और उसे गीतकार। वैसे आपने मुझे फिल्म बनाने के लिए फाइनेंस देने का वादा किया था, वही निभाने आए हो क्या? वो वादा तो मैं पूरा करूंगा ही, लेकिन इस वक्त हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है।
वो पुलिस से बचने के लिए तुम यहाँ रहने आ गए हो? एक मिनट क्यों, क्या हुआ? मैं इस मामले में मेरे भाइयों से पूछना बहुत जरूरी है, अभी आया। सुबह सुबह जब ककड़ी खाऊं भाजी वाली लड़की, हाय हाय हाय, दिल मेरा बोले हेलो हाउ आर यू, अरे कौन है तू? वो जॉनी भाई आपको अंदर ढूंढ रहे मेरे ख्याल से। अच्छा जॉनी जी, परदेसी परदेसी जाना नहीं जाना नहीं। अरे वहां नहीं उसका, अरे मोनी अभी तो तुम उस कमरे में टॉवल में, वो टॉनी होगा। टॉनी? ये है जॉनी, ये है मोनी, मैं हूँ टॉनी। आपके दोस्त हैरान हैं, परेशान हैं। वो इसलिए कि हम एक ही शक्ल के तीन इंसान हैं। मगर भाई इस अनजान का, इस मेहमान का, कदरदान का नाम क्या है, पहचान क्या है, अरमान क्या है, डिमांड क्या है? एक मिनट, यहाँ ये इनकी डिमांड है, कुछ दिनों के लिए हम इन दोनों को अपने घर में छुपा लें। क्यों, क्या दोनों स्मगलिंग का माल है? क्या ये बम या हथियार है? ये दोनों पुलिस से भागे हुए हैं। पुलिस से? अर्जुन इस शहर के बहुत बड़े करोड़पति के बेटे हैं। आज हम इनको सहारा देंगे तो कल ही हमको फाइनेंस देंगे। मेरे को प्रोड्यूसर, तेरे को म्यूजिक डायरेक्टर और तेरे को लिरिक्स राइटर बना देंगे। वेरी गुड, ठीक है, ओके। हम भाइयों ने फैसला कर लिया है, आज से घर तुम्हारा, पंखा तुम्हारा, ट्यूब लाइट तुम्हारी, टीवी तुम्हारा, बल्ब तुम्हारा, बाल्टी तुम्हारी, लोटा तुम्हारा, थाली तुम्हारी, चमचा तुम्हारा, और हम तुम्हारे चमचे। मतलब आज से हम भी तुम्हारे, घर भी तुम्हारा। थैंक यू जॉनी भाई, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, थैंक यू।